वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ ह्यूज ह्यूज वाला ज्वेलरी हॉल अमेजोन से आप लोगों के लिए। इसके पहले भी एक मैंने अमेजोन का ज्वेलरी हॉल आप लोग के साथ शेयर किया था, तो अभी मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज्वेलरी हॉल जिसमें आपको मैं बहुत सारे नेक पीसेस दिखाने वाली हूँ, इयर रिंग्स भी दिखाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा वाला एक ऑर्गेनाइजर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, आप लोग को जरूर पसंद आएगा। तो गाइस ये जो भी मैं ज्वेलरी पीसेस दिखा रही हूँ जो कि फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, जो कि क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आगे आने वाली है रक्षाबंधन, हरियाली तीज और भी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर जो है फेस्टिवल में बहुत ज्यादा रिच है और मतलब पूरे ईयर यहाँ पे फेस्टिवल तो आते ही रहते हैं, तो ये सारी ज्वेलरी फेस्टिवल में तो काम आने वाली है। साथ ही साथ और बहुत सारे वेडिंग सीजन भी कंटिन्यू आने वाले हैं, तो बहुत सारी वेडिंग्स भी आने वाली हैं, आप लोग की फैमिली में भी होंगी, मेरी फैमिली में भी बहुत सारी वेडिंग्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा काम आने वाली। तो ज्यादा पकड़ नहीं करूंगी, मूव ऑन करती हूँ वीडियो की तरफ। तो गाइस इस टाइप की पैकेजिंग है और बहुत ही मस्त मस्त चीजें आई हैं। तो सबसे पहले ना मैं आप लोग को एक वॉच वाला बॉक्स दिखाती हूँ, जो मैंने ऑर्गेनाइजर आप लोगों से बोला तो वो मैंने वॉच के लिए मंगाया था, तो मुझे इस टाइप की पैकेजिंग में रिसीव हुआ और इसकी पैकेजिंग की मैं मतलब फैन हो गई हूँ, इतनी अच्छी पैकेजिंग में आया। तो एक तो पहले इस बॉक्स के अंदर था, ठीक है, और दूसरा ना इस टाइप के बैग के अंदर था, उसमें भी ऐसा लगता था इस टाइप के पैकेट से ना गिफ्ट रैप होके आया था ये, मतलब इस टाइप की जो पन्नी होती ना इस टाइप से गिफ्ट रैप होके आया था, इतना अच्छी पैकेजिंग में आया था। ये ब्लैक कलर का है, बहुत ही मतलब क्लासी सा लगता है, बहुत ही अच्छी लग्जरी सा मतलब देखने में लगता है ये, और इस टाइप से ओपन होता है और इसमें ना 12 वॉचेस जो हैं आराम से आ सकती हैं, 12 वॉचेस बहुत आराम से आ सकती हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी वॉचेस जो हैं इसमें रखी रहेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कभी किसी का वॉच खो गया, कभी कुछ भी हो गया। मुझे वॉच को बहुत शौक है, मैं अपनी वॉच को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वाला बॉक्स मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सारी वॉचेस आ जाती है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो, बस यहाँ पे वॉचेस रखने के लिए इस टाइप के छोटे छोटे से पिलोज दिए, इसमें आप इस तरीके से बांध सकते हो वॉचेस को और बहुत अच्छी तरीके से इसमें रख सकते हो। बहुत सुंदर है ये वाला बॉक्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लैक कलर का है। और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ, तो इसके ब्रांड का जो नाम है वो है लीडो और इसका प्राइस जो है 849 रुपीज है, और 849 रुपीज बिल्कुल वर्थ करता है क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा सा ये लगा। और किसी को अगर आप गिफ्ट वगैरह भी देना चाहते हो तो डेफिनेटली इस टाइप का वॉच बॉक्स उसके बर्थडे में एनिवर्सरी में आप गिफ्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है और ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सुंदर बॉक्स है। तो फर्स्ट बॉक्स तो मेरा ये था जो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाया था, बाकी मैंने सारी ज्वेलरी मंगाई है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इयर रिंग्स जो कि प्योरा ब्रांड के, प्योरा के मैंने इसके पहले भी एक जुड़े इयर रिंग्स मंगवाए थे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के, और ये सिल्वर और गोल्डन मिक्स में कुछ इयर रिंग्स हैं, इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं इनके इयर रिंग्स और अंदर बहुत अच्छी तरीके से इस टाइप से बबल रैप में होते हैं। तो गाइस ये लोटस वाले इयर रिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने जब ये इयर रिंग्स ऑर्डर किए तो मैंने सोचा था ये कुछ बड़े आएंगे, बट इतने बड़े नहीं है, मतलब थोड़े से छोटे हैं बट अच्छे लग रहे हैं ये इयर रिंग्स। और इस टाइप के इयर रिंग्स ना आपके चिकनकारी सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आपके इंडिगो सूट के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारे वाले इयर रिंग्स है, बहुत बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो आप देख सकते हैं लोटस की शेप में है, बहुत ही अच्छा गोल्डन और सिल्वर में, बहुत ही अच्छे वाले ऑक्सीडाइज इयर रिंग्स हैं। और इसके मैंने दूसरे वाले भी मंगवाए थे, वो भी बहुत सुंदर थे और ये भी बहुत प्यारे आए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको स्टाइल कर सकते हैं बहुत सारे मल्टी वेज में। तो अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो जो भी अभी मुझे इसका प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है, तो जो भी इनके प्राइसेस होंगे जितनी भी ज्वेलरीज के आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप इसे परचेज करना चाहें। बाकी इनका सबका ना लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इनका सबका ना एक इंडिविजुअल लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर में, तो आप उसमें जाके भी ले सकते हैं। तो इयर रिंग्स मैंने एक ही जोड़ी मंगाए थे, बाकी मैंने बहुत सारे नेक पीसेस मंगाए हैं, तो मैं आप लोग को नेक पीसेस दिखाती हूँ। तो दूसरा जो ये है नेक पीस है मेरे पास में, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस जो दूसरा है मेरे पास ये नेक पीस है और इसके ब्रांड का नाम है मतुश्री। तो और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल वाला नेक पीस है गाइस,
अगर मैं आपको इसके कलर की बात करूँ तो ये वाइन टाइप का कलर है और ये इतना प्यारा नेक पीस। तो ये वाला जो नेक पीस है इसे कोई भी गर्ल पहनेगी ना एकदम क्वीन जैसी लगेगी, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। गाइस अगर इसके वर्क की बात करें तो बहुत ही सुंदर कुंदन का वर्क हो रखा है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे भी इस टाइप से देख सकते हैं ये लगे हुए लटकन से लगे हुए मोती लगे हुए, बहुत बहुत प्यारा है, इसके प्राइस को वर्थ कहते हैं। ये तो नेक पीस हो गया, छोकर है ये, और इसके ईयर इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स दिए गए हैं। अभी मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी तो आप एक बार देख लेना, इतने प्यारे इयररिंग्स हैं इसके कि अगर आप किसी सूट के साथ केवल इयररिंग्स पहनना चाहें तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और पूरा एंगेजमेंट टाइप सेट लग रहा है मुझे ये, और इसे ना ये मांग टीका भी है तो आप इसे अपनी एंगेजमेंट में भी पहन सकते हैं। ओवरऑल पूरा सेट बहुत बहुत सुंदर लगेगा। आप अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी डेफिनेटली आप इस नेक पीस को जरूर परचेज करें, बिकॉज बहुत अच्छा लगेगा। न्यूली ब्राइड कोई भी होती ना बहुत सुंदर लगेगा। तो सेकेंड सेट ये था मेरे पास में, और जो भी मैं सेट दिखा रही हूँ आप लोग को सच में सभी के ऊपर बहुत अच्छे लगे। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद में सेट्स मंगाए हैं। दूसरा मेरे पास ना गोल्डन कलर का सेट है जो कि मस्ट हैव है। ये सेट भी बहुत आउटफिट के साथ जाता है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ब्रांड जावेरी पर्ल से है ये, और प्राइस जो इस पे दिया गया है वो दिया गया है 3160, बहुत मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला है। मैं आपको प्राइस बता दूंगी अभी या मैं स्क्रीन पे ही दे दूंगी प्राइस जिनके जिनके मुझे याद नहीं रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया, और ये लेयर्ड नेक पीस है गाइस, ये भी बहुत सुंदर लगता है नेक पीस, देख सकते हैं बहुत प्यारा लगता है ये। आप किसी भी सिल्क की साड़ी के साथ में या मतलब कोई भी ड्रेस पहनते हैं बहुत प्यारा लगेगा, देख सकते हैं मतलब किसी भी आउटफिट के ऊपर जान डाल देगा। मतलब कोई भी इंडियन आउटफिट पहनते हैं वो बहुत ही सुंदर मोतियों का काम हो रखे हैं। यहाँ पे लटकन जो लगी हुई है यहाँ पे गोल्डन में इस तरीके से कुंदन लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर कुंदन लगे हुए हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कुंदन की ज्वेलरी बहुत प्यारी लगती है। मेरी तो पर्सनल फेवरेट है कुंदन की ज्वेलरी। और जैसे कि नेकलेस ना बहुत हैवी है तो इसके साथ में ना बहुत ही प्यारे स्टड्स दिए गए, जो कि इस टाइप के स्टड हैं कि इन्हें ना आप चाहे तो अगर सिंपल कोई सूट वेयर करते हैं ना उनके साथ भी वेयर कर सकते हैं। बहुत प्यारे से हैं ये, छोटे छोटे से कूल से लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो ये हो गया सेकंड नेक पीस, और मैं आपको थर्ड नेक पीस दिखाती हूँ। ये भी बहुत ब्यूटीफुल नेक पीस है और ये मीनाकारी में है, और मुझे मीनाकारी वर्क ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर इस वाले नेक पीस की बात करूँ इसका ब्रांड जो है वो है आई ज्वेल्स, और मैंने फर्स्ट टाइम ही ये ब्रांड चेक किया है तो इसमें प्राइस जो लिखा हुआ है 5999 लिखा हुआ 6000 के अराउंड, बट ये भी बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिला हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक पीस पूरा दिखा दूँ। तो इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे इसकी पैकेजिंग समथिंग मतलब कुछ कम अच्छी लगी, क्योंकि इतना अच्छा नेकलेस है तो इसका पैकेजिंग थोड़ी सी अच्छी वाली होनी चाहिए, एटलीस्ट प्लास्टिक बॉक्स होना चाहिए, और मुझे प्लास्टिक बॉक्स काफ़ी सही लगता है क्योंकि क्या होता है ना वो हमारी ज्वेलरी जो भी होती है उसमें सुरक्षित बनी रहती है। तो ये मुझे थोड़ा पहले दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये इस टाइप का बहुत ही प्यारा वाला सेट है, लुक एट गाइस, बहुत अच्छी फिनिशिंग की गई, बहुत बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है सेट ये। और ये ना डार्क एकदम मरून कलर जो होता है उस टाइप के कलर में है ये, और यहाँ पे ना बहुत प्यारे कुंदन लगे हुए नीचे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर कुंदन लगे हुए हैं। और अगर पीछे से फिनिशिंग की बात करें तो पीछे से फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो गाइस ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा वाला सेट है, और इसके साथ भी ना आपको इयररिंग्स एंड मांग टीका तीनों चीज़ें मिलेंगी जिसे आप मतलब एंगेजमेंट वगैरह में भी ईजिली पहन सकते हैं। तो ये है इसके इयररिंग्स जो कि बहुत सुंदर हैं, आप इन वाले इयररिंग्स को ना किसी भी सूट के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये है इसका ब्यूटीफुल सा मांग टीका जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें ना आपको दो से तीन कलर मिल जाएंगे, जिससे अगर आप कोई और कलर परचेज करना चाहें तो इसमें ग्रीन कलर भी है, मे भी रेड कलर भी है, और ग्रीन भी इसका बहुत सुंदर है क्योंकि और बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस। व्हाइट कलर के कपड़ों के साथ पहना जाएगा ना तो एक अलग ही लुक देगा, और देखिए ग्रीन के साथ भी कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं सारे वेयर करके दिखाऊंगी तो आप देख लेना कैसे लगते हैं ये। एक बहुत बड़े बॉक्स में रिसीव हुआ है मुझे ये, तो मतलब ये मैंने एक बॉक्स में दो सेट रख लिए, ताकि ये जो टेम्पल ज्वेलरी वाला सेट था मुझे ये इस वाले बॉक्स में रिसीव हुआ था, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब ये वाला सेट इस वाले बॉक्स में इतनी अच्छी पैकेजिंग में कैसे आ सकता है। तो पहले मैं दिखा, तो ये सेट मैंने लिया है अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्हें देख मम्मी लोग को ना इस टाइप की ज्वेलरी बहुत पसंद होती है जो कि गोल्ड लुक तो देती रहती है, तो सिल्क की साड़ियों में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये टेम्पल ज्वेलरी टेम्पल नेक पीस है, यहाँ पे लक्ष्मी जी का वो बना हुआ है, और पिंक कलर के और ग्रीन कलर के नग लगे हुए हल्के हल्के से,
साथ में दिए गए हैं झुमके, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है सिल्की साड़ी के साथ में, तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं इसका ब्रांड एंड प्राइस दोनों बता देती हूँ आप लोगों को। तो इसका भी जो ब्रांड है वो ना जवेरी पल्स ही है, और जवेरी पल्स की ज्वेलरी की तो मैं फैन हो गई हूँ। मतलब इसके पहले मैंने ज्वेलरी हॉल किया था, उसमें मैंने जवेरी पल्स की बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई थी, इयर रिंग्स दिखाई थी। देन अब की बार भी मैंने जवेरी पल्स से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की, क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छी थी, पैकेजिंग तो आप लोगों ने देख ही ली। तो इसका प्राइस है 316 रुपीज़, और 316 रुपीज़ इसको एकदम वर्थ करता है, बहुत सुंदर है। मेरी मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये। जो आप लोग की मम्मी वगैरह है सासू माँ के लिए इस टाइप के नेकलेसेस ले सकते हैं, उन लोग को बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के नेक पीस। तो आप देख सकते हैं ये वाला नेक पीस 316 रुपीज़ का है जो वेरी पल्स से। देन मैंने एक और सेट मंगाया ये वाला जो है, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी ब्रांड जेवेरी पल्स से ही है। तो गाइस ये इस टाइप का है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है, बहुत महीन काम हो रखा है इसमें। और ये ना मरूम ग्रीन कलर और व्हाइट कलर से, जो कि ये तीनों ड्रेसेस के साथ जाएगा, एंड व्हाइट के साथ तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये इस टाइप के जो नेकलेस होते हैं ना, सभी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। और इसमें इस टाइप से इयर रिंग्स दिए गए, मांग टीका नहीं है इसमें, सिर्फ नेकलेस है और ये इयर रिंग्स है, बाकी कुछ भी नहीं। इसका प्राइस जो है 430 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और देख सकते हैं आप ये कितना सुंदर लग रहा है। और देन मैंने एक मंगाया है सिल्वर सेट, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सेट है ये सिल्वर कलर का, और ये बहुत सुंदर है। ये 160 या 165 समथिंग का है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत प्यारा सेट है ये, और इसके साथ कोई भी इयर रिंग्स नहीं आए, केवल ये गले का ही है। बहुत प्यारा लगता है ये गले में पहनने पे, अभी वेयर करके दिखाऊंगी तो देखना, बहुत प्यारा लगता है ये वाला सेट। बाकी मैंने एक जोड़ी ना बैंगल्स भी मंगवाई थी, वो अभी आई नहीं है, मे भी मुझे कल तक रिसीव होंगे, तो मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी उनकी, आप देख लेना। तो लास्ट मैंने मंगवाई है ना ये वाली बैंगल्स, आप देख सकते हैं, जो कि 12 है, एक दर्जन बैंगल्स है सिल्वर की, क्योंकि मुझे ना सिल्वर बैंगल्स काफी अच्छी लगती है। ये मतलब चिकनकारी सूट के साथ में, इंडिगो के साथ में, व्हाइट कलर के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल्स है। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से किसी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा पूरा ओवरऑल हॉल, ज्वेलरी हॉल। आई होप सो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सा आइटम सबसे ज्यादा प्यारा लगा। तो फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।